लोकायुक्त पुलिस उज्जैन की बड़ी कार्यवाही। किसान के कुआं से लिया जरूरत पर पानी, बिल भुगतान के बदले मांगी रिश्वत। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद नगरी जिला मंदसौर शोभाराम परमार 5000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। मुख्य नगर पालिका नगर परिषद जिला मंदसौर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को लोकायुक्त उज्जैन की टीम द्वारा 5000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। क्या था पूरा मामला? आवेदक कन्हैया लाल धाकड़, पिता पन्ना लाल धाकड़, निवासी ग्राम नगरी तहसील दबोदा जिला मंदसौर ने दिनांक 15 सितंबर 2021 को लोकायुक्त संगठन उज्जैन में पुलिस अधीक्षक श्री शैलेंद्र सिंह चौहान से शिकायत की थी कि नगर परिषद नगरी जिला मंदसौर द्वारा गर्मी के दिनों में पानी की समस्या होने से विज्ञप्ति जारी कर टेंडर बुलाया गया था। मेरे द्वारा टेंडर भरा गया जिस पर नगर परिषद नगरी जिला मंदसौर द्वारा दिनांक 3/2021 को मेरे नाम से कार्य आदेश जारी कर मुझे प्रतिदिन मोटर चालू कर पानी सप्लाई करने का पत्र प्राप्त हुआ था। उक्त मेरे द्वारा अपने कुएं से पानी सप्लाई करने के कार्य हेतु मुझसे नगर परिषद नगर जिला मंदसौर द्वारा 15000 रुपए प्रति माह के हिसाब से 4 घंटे पानी ट्यूबवेल से देने के लिए मुझे भुगतान करने का एग्रीमेंट कराया था। मुझे परिषद द्वारा माह फरवरी से जून तक का पेमेंट 15000 रुपए प्रति माह के हिसाब से कर दिया था। मेरा जुलाई के 15 दिनों का बकाया पेमेंट रुपए 7500 रुपए भुगतान करने के लिए उसको पेमेंट करने हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद नगरी जिला मंदसौर शोभाराम परमार द्वारा 5000 रुपए रिश्वत लेते उसके किराए के मकान ग्राम नगरी जिला मंदसौर में रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। टीम में निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव, आरक्षक शिव कुमार शर्मा, आरक्षक विशाल रेशमिया, आरक्षक अनिल अटोलिया, आरक्षक श्याम सुंदर शर्मा शामिल थे। आज जो आपने रिश्वत देते हुए पकड़ा, किस कारण से एक किस विषय में क्या है? ये मेरा बोरवेल लगाया ना, इन्होंने पानी का टेंडर पास हुआ था, मेरा टेंडर पास हो गया, मेरे पास लाइट की सुविधा नहीं थी, इनको पानी दिया, इनके 4 घंटे का एग्रीमेंट के बजाय मैंने 10 घंटे का पानी दिया, उसके बाद भी उन्होंने बिल भरने की 10000 रुपये रिश्वत की मांग की। मैंने 5000 जमा करवा दिए, उसके बाद भी पेमेंट नहीं निकाला 7500 मेरा जो बकाया है, उसके बाद फिर बोला 5000 और जमा कराओ, उसके बाद पेमेंट निकला। आपका शुभ नाम? कन्हैया रंधावा। वार्ड नंबर 12। किसको रिश्वत दी थी आपने? सीएमओ। नाम? शोभाराम जी परमा। पानी सप्लाई का ठेका मिला हुआ था इनके, एक जून तक के तो बिल पेमेंट हो गए थे, लेकिन जुलाई माह का जो 15 दिन का 7500 रुपये का बिल था वो बकाया था। इसके लिए सीएमओ से मिले तो इनके द्वारा 5000 रुपये की बिल पास करने के लिए मांग की गई, जिस पर से एक ट्रैप ऑर्गेनाइज किया गया। सीएमओ शोभाराम परमार की आवाज़ रिकॉर्ड कराई गई और उनके विरुद्ध आज 5000 रुपये लेते हुए उनके प्राइवेट आवास पर, जो किराए के घर में यहाँ रहते हैं नगरी में, वहाँ उन्हें पकड़ा है। उनके विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया है और अभी कार्रवाई जारी है। ये राजस्व उप निरीक्षक हैं एवं प्रभारी सीएमओ के पद पर नगरी में कार्यरत हैं और मैं निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव लोकायुक्त उज्जैन। इसमें और क्या लग रहा है आपको, कौन आ सकते हैं, कैसे क्या? इसमें अभी और जांच करेंगे, देखते हैं इसमें आगे क्या घोटाले और कुछ होते हैं में, तो आगे कार्रवाई करेंगे। ठीक, सब धन्यवाद। गलत है कि आप इस बार नहीं, ये गलत है, इससे हमने पानी लिया था, इसके पास कनेक्शन था नहीं, तो हमारे कर्मचारियों ने हमारे यहाँ से इसके मोटर को कनेक्शन दिया था, तो हमारे कर्मचारियों ने कहा था कि 10000 रुपये आपको जमा कराना पड़ेंगे बिजली बिल, तो उसमें से इनने 5000 को जमा करा दिए, और 5000 के लिए कल मेरे पास आया था कि साहब मेरा पेमेंट है 7500 का, तो बोले मैं निकाल दो साहब, मैं निकला दूंगा यार, तो कि साहब वो 5000 मेरे जमा करना आज ही कर दूँ क्या? तो मैंने कहा आज ही कर दे यार, करवा दूँगा मैं तेरा पेमेंट, ये इतना सा है जबरन मेरे को फंसाया जा रहा है और कोई मैटर नहीं है। आपका सर शुभ नाम और पद है? शुभ नाम और पद आपका? शोभाराम परमार, राजस्व उप निरीक्षक। कहाँ पे पदस्थ सर? परभारी सीएमओ नगर परिषद नगरी। ठीक है, धन्यवाद।